I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmed Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today I will share with you blood, khoon, जो हमारे जिसमें चार से पांच लीटर तक गर्दिश कर रहा है, बह रहा है. होल ब्लड कंटेन्स 25 मिलियंस ऑफ आरबीसीज, 25 बिलियंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड मिलियंस ऑफ प्लेटलेट्स. खून जिसे होल ब्लड कहते हैं उसमें 25 मिलियन आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स, और 25 बिलियन डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे सोल्जर कहते हैं, इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाला कहते हैं, और मिलियंस ऑफ प्लेटलेट्स. मैं आपको बता दूं, ये ब्लड सेल्स जो है बोन मैरो में बनती हैं. एवरी सेकेंड ए बोन मैरो जो है ब्लड में 2.5 मिलियन आरबीसी पोर करता है, उसके साथ साथ 5 मिलियन प्लेटलेट्स और 120,000 डब्ल्यूबीसी पर सेकेंड ब्लड में पोर करता है, डालता है. और आपको बता दूं कि ये आरबीसी जो है ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में संचार करती हैं, पहुंचाती हैं. अगर ये 5 मिनट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ना पहुंचाए तो इंसान मर जाएगा. जहां तक डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स का सवाल है, ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, सोल्जर्स का काम करती हैं. मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूबीसी जो है ये एंटी बैक्टीरियल टॉक्सिन पैदा करता है. एक डब्ल्यूबीसी कम से कम 40 बैक्टीरिया को डिवोर करता है, मारता है. और जहां तक प्लेटलेट्स का सवाल है, ये प्लेटलेट्स जब भी कट होता है, इंजुरी होती है, खून बहने लगता है, तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और ये प्लेटलेट्स जो है उसके रेस्क्यू के लिए, मदद के लिए आते हैं. जैसे कटिंग हुई, ब्लीडिंग हुई, तो ये सिग्नल देता है, बुलाता है, पुकारता है, प्लेटलेट्स आकर के ज्वाइन हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स एक ऐसा केमिकल क्रिएट करता है, पैदा करता है, जिससे फाइब्रिन बनता है. ये फाइब्रिन आरबीसी ब्लड सेल्स के साथ जो है उस खून को थक्के में बना देता है और क्लॉट कर देता है, एक स्कैब बन जाता है, जिससे हीलिंग में मदद पड़ती है. जो हीलिंग में मदद पहुंचाता है, पता ये चला कि प्लेटलेट्स अलोंग विद आरबीसीज, अलोंग विद डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, दे प्लग टुगेदर और एक स्कैब बनाते हैं, जिसके जरिए वो फाइब्रिन सबको ट्रैप कर लेता है और वुंड जो है, घाव जो है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है. मैं आपको बता दूं, ए आरबीसीज की लाइफ, रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 100 से 120 दिन होती है. ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं, एक सर्कुलेशन के लिए 60 सेकंड लगते हैं, और 40 से 45% जो ब्लड होता है वो आरबीसीज होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं. और ये भी बताऊं आपको कि हमारे पास चार तरह के ब्लड हैं, चार ग्रुपिंग्स हैं, ए ए ए बी, ए बी और ओ. तो कितने ग्रुप हैं? चार ग्रुप्स हैं. ए है, बी है, ए बी है, ओ है. ये आपस में सब्सटेंस ए और बी में डिफर करते हैं, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में. और सीरम में ए एंटी फैक्टर, एंटी ए और एंटी बी डिफर करते हैं. और जो प्लाज्मा होता है, ये वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मैटर को बाहर निकालने में मदद पहुंचाता है. तो पता ये चला, हमारा बॉडी सिस्टम इस तरह से महफूज है कि अगर हमारा ब्लड पहुंचाए नहीं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को, तो हम इंतकाल कर सकते हैं, मर सकते हैं. पता ये चला, अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर 55 सूरह रहमान 30 जगह पे ऐलान कर रहा है, फबी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकव्विबान, ओ असेंबली ऑफ जिन एंड मैन, व्हिच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाय. ए जिन और इंस की गिरोह, तो अपने रब की कौन कौन नेमतों को झुठलाओगे. अस्सलामु अलैकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।